सो गाइस आज की माइनक्राफ्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रेडर के साथ स्कैम, और देख सकते हो कि भाई कितना बड़ा स्कैम करने वाले हम। इसके साथ हमने ले लिए, देख पा रहे हो कि डट से हमने कितने एमरल्ड ले लिए, यानी 7 एमरल्ड में ले चुका हूँ इससे। और मैं बता दूं कि यार वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यार आपको परेशानी हो सकती है, पर वीडियो बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया स्पीड बढ़ाकर। पर सबसे पहले अपन को ट्रेड करना पड़ेगा इनसे, इसके बाद देखते कि भाई इस विलेजर के पास क्या है। तो भाई साहब आपके पास क्या है वैसे दिखाने के लिए मेरे पास, और आपके पास बहुत सारी चीज़ें तो हैं डट के साथ, आप 64 एमरल्ड दे सकते हो, पर अभी मेरे पास बिल्कुल भी डट नहीं। सबसे पहले अपन डट तोड़ लेते हैं, तो थोड़े बहुत डट तोड़ने के बाद अपन चलते हैं विलेजर के पास। तो डट तो अभी भाई मेरे को बहुत सारा निकालना है, तो मैं पहले डट निकाल लेता हूँ। और भाई छोटे से शिप भाई तुम कैसे हो, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं बहुत सारा डट और आ जाते हैं इसके बाद ट्रेड करने। तो मेरे पास 4-5 है तो सही, पर देख लेते कितने भाई 12 डट आ गए मेरे पास। तो मैंने सारे डट से ट्रेड तो कर लिया, मैं इससे गोल्ड ले सकता हूँ भाई। 13 एमराल्ड में गोल्ड कौन देता है, ये विलेजर भाई स्कैम हो रहा है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा। पर कोई बात नहीं, स्कैमर तो मैं ही हूँ। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं जो भी सारी चीज़ें भाई, मैं आयरन भी ले लेता हूँ। वैसे आयरन और गोल्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, और देखो भाई डायमंड का ब्लॉक दे दिया इसने मुझे, तो भाई 5 डायमंड के ब्लॉक दे चुका है मुझे। क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं चले जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल मैंने बना लिया और इसे यहाँ पर लगा देते हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल मैं बना चुका हूँ और यहाँ पर मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है, इसे लगा देते हैं और यहाँ से मैं निकाल लूँगा मेरे गोल्ड ब्लॉक। और 45 गोल्ड हो चुके हैं मेरे पास, और फाइनली 18 ये और 9 एमराल्ड, 9 मतलब डायमंड। तो एमराल्ड से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसे ट्रेड कर लेते भाई, क्या देगा ये तो मुझे कुछ नहीं दे रहा। यहाँ पे देख लेते कि भाई ट्रेड का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे भैया बहुत महंगा है, मेरे पास एमराल्ड नहीं है और अभी मैं वेस्ट कुछ नहीं खरीद सकता। तो सबसे पहले चलते हैं आर्मरी बनाने, और यहाँ पे एक विलेजर है क्रीपर है, तो यार करना क्या है मुझे, क्रीपर के पास जाना है और इसको फोड़ देना है। तो ये जैसे ही फूटेगा मुझे बहुत सारे डट मिल जाएंगे, फिर अपन चलेंगे ट्रेड करने। तो इससे पहले रात हो, सबसे पहले अपन डट निकाल लेते हैं, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ क्रीपर को फोड़ना है अपन को। तो अपन ही फूट जाते हैं क्रीपर को फोड़ देते हैं, और यहाँ पे अपन हो चुके हैं रिस्पॉन, क्रीपर फूट चुका है, और फाइनली मुझे इसके पास जाना है और इससे डट लेके आना है। तो इसके पास से डट लाना पड़ेगा मुझे, तो इसके पास डट जाने के लिए मैं चले जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे अपनी डाई हुई थी। तो वहाँ जाए अपन को, अरे भाई ये चुरा नाला है क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, और मुझे मिल चुके हैं सारे एमराल्ड, आयरन ब्लॉक और डट, तो भाई बहुत सारे 31 हो चुके हैं। और देख लेते भाई कितने ले जाएंगे अपन, 38-39 डट हो चुके हैं अपने पास, और अभी तो और भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे फाइनली मेरे को 51 डट मिल चुका है, और भाई इससे तो अपन बहुत ज़्यादा रिच बन जाएंगे। तो देख सकते हैं भाई 45 गोल्ड ब्लॉक है, और मैं इसके यहाँ सब रख देता हूँ। मेरे पास डायमंड की होए भी, यानी अपन आराम से फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर के पास देख लेते हैं कि भाई क्या मिल सकता है। अभी ये भाई पूरे भाई साहब ये पूरे फुल है, और ये हमें कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास एमराल्ड नहीं है, तो हमें इसे लाना पड़ेगा। तो उसे लाने के पास चलते हैं हम विलेजर के पास। तो कहाँ है विलेजर के पास, यानी विलेजर तो हमारे सामने भाई दुश्मन है, तो उसके ऊपर अटैक कर देंगे। सबसे पहले अपन कुछ बना लेते भाई, मेरे को डायमंड का हेलमेट मिल गया, वेस्ट मिल चुका है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और मैं शीयर भी ले लेता हूँ यार, शीयर का भी काम कर लेंगे अपन, बाल काटेंगे इससे। तो सबसे पहले मैं इसे पहना देता हूँ और शीयर भी ले लेते हैं। तो शीयर देख लेते भाई, शीयर यार शायद से मैंने ले लिया, देखते हैं कि ले लेंगे उसे भी। तो शीयर को लेने के बाद अपन उसके बाल काटेंगे यार, तो देख लेते कि भाई शीयर है कि नहीं अपने पास। शीयर नहीं है, हाँ शीयर मैंने ले लिया, तो शीयर ले चुके हैं अपन, और फाइनली अपन को जाना है अब वुड तोड़ने, तो ताकि अपन कुछ बना सके अच्छा सा। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, और ये यहाँ पर अटक गया भाई, अब ऊपर कैसे आऊँगा यार मैं, ये ऊपर आने में बहुत परेशानी होगी यार, पॉकेट एडिशन है यार मोबाइल वाला, कैसे निकलूँगा यार। तो फाइनली मैंने कुछ दिमाग लगाया है, मैंने डट का यूज़ करने वाले अपन, तो भाई डट का यूज़ करके दिमाग लगाते हैं थोड़ा बहुत, क्या पता कभी निकल जाए। तो मैं सबसे पहले डट लगा लेता हूँ भाई, डट तो लग ही नहीं रहा है, डट नहीं लग रहा है। तो यार देखते कि भाई एक डट लग चुका है, अब एक और लगाना है बस। तो क्या ऊपर आ जाएंगे अपन, ऊपर आ जाएंगे भाई, हाँ एक डट लग चुका है, एक और डट लग चुका है, और फाइनली अपन ऊपर आ सकते, बस एक डट और लगना है, एक डट और आ चुके अपन ऊपर। तो भाई साहब मुझे दिख चुका है सामने पेड़, और हम यहाँ से निकाल लेंगे सारे वुड। तो इस वुड को निकालने के बाद हमें चाहिए बहुत सारे डायमंड स्वाड और ये सब मिलने वाले। तो सबसे पहले मैं इन सब वुड को निकाल लेता हूँ, और भाई इससे अपन डायमंड स्वाड बनाएंगे, और साथ में डायमंड के पिकेक्स, डायमंड का आर्मर तो अपने पास हो चुका है, और बाकी जो डायमंड से बनता है घोड़े पर बैठने वाला आर्मर ही उसे बना लेंगे। तो यहाँ पर अपन चलते हैं, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल के पास रात होने वाली है, और रात को ज़ोंबी आने वाले, तो भाई मैं डायमंड स्वाड बना लेता हूँ अगर, तो मैं ज़ोंबी को आसानी से मार दूँगा। तो यहाँ पर अपन चलते हैं सबसे पहले वहाँ पर,
वहाँ पे अपन डायमंड स्वॉर्ड बना लेंगे, उसके पहले अपन को स्टिक बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे स्टिक बना लेता हूँ मैं। तो स्टिक में बना लिए, अरे यार मेरे पास वुड तो बहुत सारा है पर स्टिक अभी मैंने कम बनाई है। तो सबसे पहले डायमंड स्वॉर्ड और उसके बाद अपना जो पिकैक्स होती है गोल्डन उसे भी ले लेते हैं। और भाई बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है मेरे पास, गोल्ड का भी अपन बना सकते हैं पर गोल्ड अभी इतना ज़्यादा काम का नहीं होता। तो आप चाहते हैं पिलेजर के ऊपर हमला करने, तो यार अगर मैं पिलेजर के ऊपर हमला करता हूँ तो मैं शायद से उस आसानी से मार दूंगा। और मेरे पास रूटेन फ्लैश भी है और अभी अपने पास एप्पल नहीं है भाई, ये वापस आ गई छोटी सी भेड़। तो इसको छोड़ते हैं और भाई देखते हैं कि अपन पिलेजर के ऊपर अटैक कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आ चुका हूँ पिलेजर के ऊपर अटैक करने और यहाँ पे अपन गोलम को नहीं छुड़ाएंगे, सबसे पहले अपन अटैक कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। देखो भाई कितना कम एचपी जा रहा है, मतलब ये देखो फर्स्ट किल अपन ने ले लिया और इसको भी भाई इसको भी एक बार में ख़त्म कर दिया, मतलब गजब की डायमंड स्वॉर्ड है। और देखते कि भाई इसको भी ख़त्म कर देंगे अपन। ये ऊपर चली गई, मुझे देखा नहीं है इसने। तो काम करते हैं कि सबसे पहले अपन ऊपर चढ़ने की जगह बना लेते हैं। तो मैं इधर से जाता हूँ, किधर से देखना पड़ेगा, किधर से जाना पड़ेगा। तो भाई ये पिलेजर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत ट्राई करना पड़ेगा। तो फाइनली बहुत साल की मेहनत के बाद मैं आ चुका हूँ ऊपर और भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है मेरे हिसाब से मुझे ऊपर आने में। तो मैंने वीडियो को कट कर दिया था, मुझे कम से कम 2 मिनट लग चुके थे आने में। तो सबसे पहले मैं पिकेक्स से तोड़ लेता हूँ सारा सामान और भाई यहाँ पे मिल चुकी है मुझे मकड़ी। तो सबसे पहले मकड़ी का खेल ख़त्म और यहाँ पे आ चुके अपन, अपने एक और पिलेजर को मार दिया अपन ने और अब मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है। तो अब सामने देखते भाई डायरेक्ट यहाँ से तोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से तोड़ कर, गेट तो है ही नहीं भाई इनके पास, मतलब बिल्कुल भी गेट नाम का चीज़ नहीं है इनके पास, यानी ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ से अपन कोबल स्टोन को तोड़ देते भाई, क्या कितनी जल्दी टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट चुका है। और यहाँ पे हमें ऊपर जाना है, तो देखते हैं कि कितनी जल्दी पहुँच पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन आ चुके हैं, ये आला चढ़ चुके हैं, अब यहाँ चढ़ना है। तो ये सब मार चुका हूँ मैं और क्रीपर भाई साहब ये अगर फूटेगा तो देखते हैं डैमेज देगा कि नहीं। अरे भाई इसने गिरा दिया, कोई बात नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं दिया क्रीपर ने, पर पहले इसने मार दिया था क्योंकि अपने पास नहीं था आर्मर। अब अपने पास आर्मर है तो भाई कोई डरने की बात ही नहीं है, अब तो भाई एंडर ड्रैगन को ही मार सकते हैं। हाँ सही बोल रहा हूँ यार, एंडर ड्रैगन को मार सकते हैं अपन शायद से इससे, और एक बार ट्राई करेंगे डायमंड स्वॉर्ड से। तो क्या इससे मरेगा कि नहीं भाई, एक और पिलेजर ये भी ख़त्म, मतलब गजब तरीके से जा रहे पिलेजर। उन्होंने अपन को ऊपर जाना है और ऊपर अपन को बहुत सारा लूट मिलने वाला है, और अगर अपन ने लूटा ही नहीं तो भाई गजब की रेट पड़ने वाली है अपने ऊपर। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सारा सामान, भाई देख पा रहे हो कितना सारा सामान है, मतलब वुड, ये क्या इतना सारा वुड है इनके पास, जब भी ये डोर नहीं बना पा रहे यार, मतलब इनके घर में एक डोर तो होना चाहिए। मुझे आयरन, आयरन भी मिल चुका है, आयरन 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 का ये ब्लॉक मिल चुका है, आयरन का ब्लॉक नहीं मिला मुझे, पोटैटो मिल चुका है। तो भाई आलू की, आलू से बनाएंगे, तो गाइस हम बनाएंगे पोटैटो से आलू के पराठे। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक शेयर कर देना, और विलेजर को भी खिलाएंगे हम आलू के पराठे। और साथ में क्रीपर मिल चुका है हमें, तो इससे हमें इसको उड़ाना पड़ेगा। तो हम इसको सबसे पहले वुड साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे पूरे, देखो भाई मुझे कितना सारा डट मिल चुका है, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया और यहाँ पे मुझे डट मिल चुका है। तो अब इसको क्या, इसको क्या छुड़ाएं या नहीं, सबसे पहले तो छुड़ा ही लेते हैं और इसे देखते हैं कि भाई एक बार डायमंड स्वॉर्ड से मार के कितनी जल्दी मरता है। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसे मारने की, देखते कि भाई क्या होता है इसको। चलो इसको पहले निकालने की कोशिश करते, पर भाई ये बाहर क्यों नहीं आ रहा, देखते एक बार डायमंड स्वॉर्ड से मार के। अरे भाई तो मर गया एक बार में, मतलब मुझे रोज भी दे गया, चलो कोई बात नहीं, रेस्ट इन पीस भाई, रेस्ट इन पीस, आराम से रहना। और यहाँ पे मुझे मिल चुका है घर, वापस आ चुके हो भाई, रेड पड़ चुकी है, रेड पड़ चुकी है और अब हमें रेड वाले को संभालना पड़ेगा, यानी बहुत ख़तरनाक रेड पड़ी है। और भाई यहाँ पिलेजर आने वाले, तो यहाँ पे अपन इस रेड को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो रेड को नहीं दोस्तों, मेरा कहने का मतलब था वीडियो को। तो यार यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना और 10 लाइक कर देना, पार्ट 2 चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।